तुर्की और सीरिया में आए भयंकर भूकंप ने भारी तबाही मचाई है। ऐसे समय में दुनिया का हर देश तुर्की की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा है। भारत ने भी तुर्की की मदद के लिए राहत सामग्री और राहत बचाव दल भेजे हैं। एक ओर जहां सारे देश इस समय सहयोग की भावना दिखा रहे हैं, तो दूसरी ओर भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय में भी भारत से दुश्मनी जता रहा है। भूकंप की मार झेल रहे तुर्की में राहत सामग्री लेकर जा रहे भारतीय विमान को पाकिस्तान ने एयर स्पेस नहीं दिया, जिसके चलते उसे कई चक्कर लगाकर दूसरे रूट से तुर्की जाना पड़ा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पूरा वाक्या 7 फरवरी की सुबह का बताया जा रहा है, जब भारतीय वायुसेना का विमान राहत सामग्री लेकर तुर्की जा रहा था। इस दौरान पाकिस्तान ने तुर्की जा रहे भारतीय वायुसेना के विमानों को अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। पाकिस्तान ने साफ तौर पर भारत के विमानों को पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इसके बाद भारतीय वायुसेना के विमान को दूसरे रास्ते से तुर्की पहुंचना पड़ा। हैरानी की बात है कि तुर्की को पाकिस्तान का अच्छा दोस्त बताया जाता है। उसने कश्मीर मुद्दे से लेकर CAA, NRC पर पाकिस्तान का साथ दिया था। उसके बावजूद पाकिस्तान ने तबाही से बर्बाद तुर्की की मदद को जा रहे भारतीय विमान का रास्ता रोका। पाकिस्तान की इस हरकत से दुनिया भर में उसकी थू-थू हो रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान की इस खबर के बाद दुनिया भर में बदनामी हो रही है, तो दूसरी ओर तुर्की ने भारत की मदद की तारीफ की है। तुर्की ने भारत को सच्चा दोस्त बताया है। भारत में तुर्की के राजदूत फिरत सुनेल ने भारत सरकार की ओर से इस मदद के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।